राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन पर भारतीय वायुसेना की 4 इकाइयों को राष्ट्रपति मानक और राष्ट्रपति रंग प्रदान किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बेंगलुरु में इसरो मुख्यालय में वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की। उपराष्ट्रपति ने स्त्री पुरुष समानता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में समावेशिता की संस्कृति के लिए इसरो की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में पहला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कंटेंट निर्माताओं से युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के बीच मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का लोकार्पण किया और राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023 पर एक रिपोर्ट का विमोचन भी किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली स्थित त्यागराज स्टेडियम में 5वें ओएनजीसी पैरा गेम्स का उद्घाटन किया।